ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि पुतिन के करीबी दिमित्री कोनोप्लेव की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। उन्होंने रूस की सेना के लिए कई आधुनिक हथियार डिजाइन किए थे, जिसकी वजह से वो पुतिन के बेहद भरोसेमंद और खास हो गए थे, और इसलिए पुतिन ने दिमित्री कोनोप्लेव को शिपनोव इंस्ट्रूमेंट डिजाइन ब्यूरो का मुखिया बना दिया था। रूस की सेना का ये वही विभाग है जिसने अपने देश के लिए 150 से ज्यादा हथियार और उनके पुर्जे डिजाइन किए थे, जिनमें सबसे घातक पांसे मिसाइल सिस्टम भी है। दावा किया गया कि यूक्रेन में तबाही मचाने में ये मिसाइल सिस्टम भी काफी मददगार साबित हुआ, लेकिन इसे तैयार करने वाले की रहस्यमयी हालात में मौत हो जाने से कई सवाल खड़े हो गए। कहा जा रहा है कि उनकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान आए हार्ट अटैक की वजह से हुई। वहीं पश्चिमी मीडिया का ये दावा है कि पुतिन का ये करीबी लंबे वक्त से डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहा था, यही कारण है कि इलाज के दौरान उसे दिल का दौरा पड़ गया। हालांकि दिमित्री की मौत पर न तो खुलकर रूस कुछ कह रहा है और न ही किसी और ने कोई ठोस सबूत पेश किया है, जिसकी वजह से उनकी मौत की गुत्थी उलझ गई है।